हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद सरस जीवन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सरस। फ्रेंड्स, अगर आप मोटे हैं और डाइट के जरिए आप अपना फैट कम करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि यह वीडियो बहुत अच्छा है तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अपने ग्रुप में शेयर करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर फ्रेंड्स आप अपना फैट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, जो डाइट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो कर करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सुबह के समय नाश्ते की पहले की बात करें तो उसमें आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट गुनगुने पानी का आप सेवन करें। अगर आप अपने फैट को अपने घटाना चाहते हैं और आप स्लिम होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पानी हमारी प्यास बुझाने का काम ही नहीं करता है, बल्कि यह हमारे शरीर में वसा को भी कम करने में हमारी काफ़ी मदद करता है, जिससे हमारा फैट कम होने लगता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नाश्ते की। फ्रेंड्स, अगर नाश्ते में सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्दी फूड ओट्स का सेवन करना है। ओट्स एक ऐसी दलिया होता है जिसको हम बोलते हैं, और वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ओट्स में प्याज, लहसुन, दालचीनी और नमक डालकर अच्छी तरह से पका लें, फिर उसका आपको नियमित रूप से सेवन करें। ओट्स के नियमित सेवन से मोटापे को काफ़ी जल्दी कम किया जा सकता है और हम लोग काफ़ी जल्दी फिट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नाश्ते के बाद की। नाश्ते के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको फल खाने हैं। नाश्ते के 2 घंटे बाद ताज़े फल आप खाएं। फल में बहुत ही कम मात्रा में कैलोरीजन होता है, जो शरीर को बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व हमें प्रदान करता है। मोटापा कम करने वाले फलों में आम, पपीता, अनार, अमरूद और संतरा, इमली, लीची, सेब, खरबूजा, नाशपति और आलू बुखारा आदि फलों का भी हमें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बाद आपको क्या खाना है, लंच में हम क्या खाएं। फ्रेंड्स, लंच में हम भोजन में हर दिन खाने वाली जैसे दालें, साधारण सी सब्जी, 2 रोटी, 1 खीरा और सलाद में टमाटर, गाजर और प्याज का इस्तेमाल करें। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। और लंच करने के आधे घंटे बाद ग्रीन टी का आपको सेवन करें। ग्रीन टी खाने को पचाने में काफ़ी मदद करता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बाद की डिनर में क्या करना चाहिए, बात करते हैं इसकी। शाम का आपको खाना जो खाना है वो 8 बजे तक आपको खा लेना चाहिए। देर रात में खाना खाकर जल्दी सो जाने से हमारे शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है। डिनर में वेजिटेबल सूप का आपको सेवन करना चाहिए, और वेजिटेबल से जो हमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, जो मोटापे को कम करने में काफ़ी मदद करता है। अब फ्रेंड्स यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। फ्रेंड्स आपसे आखिर में सिर्फ यही बात कहूँगा, फ्रेंड्स अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट होता रहूं और आपके सामने हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूं। फ्रेंड्स तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।